सर, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपना बैलेंस मेंटेन करने का स्टडीज में, बैलेंस सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन और बैकलॉग रिकवरी में। बेसिकली आप लोग ये चीज समझते हैं कि प्रॉब्लम यहीं पे है, एक तरफ सिलेबस भी कंप्लीशन करना है, रिवाइज भी करना है, जो बैकलॉग हो गया वो भी कंप्लीट करना है। मैं इस पहले वीडियो में 3-4 वीडियोस में आपको बनाऊंगा, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने कल के वीडियो पे कमेंट किया था, सर ये वाली प्रॉब्लम है, सर ये वो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम थी, पर मोटी मोटी प्रॉब्लम्स सबसे पहले आती है। नंबर वन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम, टाइम कम है और हम फिर भी टाइम को वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम वेस्टेज का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। टाइम बचेगा इसका मतलब टाइम मिलेगा, तो सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन और बैकलॉग तीनों के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली चीज नंबर वन, सोचना बंद कर दीजिए कि आपके पड़ोसी का क्या होगा। वो लड़का तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत सवाल पूछता है क्लास में, उसका सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा। नहीं भाई, सिलेक्शन तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, तब तक सब बराबर है, आसपास की सोचना छोड़ दो, नहीं तो दिमाग का नाश हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की आदत है, कुछ भी चीज में छक 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 छक, एक शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, चौथा शॉट, एक रील दूसरी रील, नहीं होगा काम। यदि आपको प्रॉब्लम है तो फिगर आउट करिए कि चलो मैं मोबाइल को तभी देखूंगा। मुझे एक बच्चे ने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि जब भी मुझे मोबाइल की इच होती है, खुजली होती है, मम्मी के पास जाके बैठता हूं, कहता हूं मुझे 15 मिनट बाद उठा देना, मैं आपके पास बैठ के मोबाइल देखूंगा। नथिंग इज रॉन्ग और राइट, यू हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन जिससे आपको पता है ये चीज गलत है, आपको पता है ये चीज गलत है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा, पर अब सोल्यूशन ढूंढना है, नहीं तो एक साल और तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आप 2023 की है, 2024 में एग्जाम देने को मिलेगा, इस बार तो देंगे, पर आपको भी पता है इन सब कारणों से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप सोल्यूशन फिगर आउट कर लीजिए। मम्मी के पास बैठ जाइए जब मोबाइल देखना है, एक टाइम सेट कर लीजिए जब आप मोबाइल देखेंगे। आप खुद से ये बोल लीजिए कि मैं कुर्सी टेबल पे बैठूंगा, बैठा हूं तो पढ़ूंगा ही, कुर्सी टेबल से उठने के बाद ही ये सारे तमाशे करूंगा, पर कुर्सी टेबल पे बैठ के मोबाइल पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तीसरी चीज, डेली रूटीन। रूटीन नहीं है, किसी भी टाइम पे उठ रहे हैं, किसी भी टाइम पे सो रहे हैं, किसी भी टाइम पे कुछ भी पढ़ रहे हैं। रूटीन किस टाइप का हो सकता है, सोचो जरा। रूटीन को आप भी जानते हैं, एक दिनचर्या हो तो है ना चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो रूटीन के लिए क्या किया जा सकता है, जरा सोचिए। मैं आपको एडवाइस दूं, वीडियो रोक लीजिए, एक बार शांति से सुनिए। यहां पे रात को 7 घंटे सोना है, पहली चीज। आप टाइम बचाने की कोशिश मत करिए, ये मत सोचिए आज 4 घंटे सो रहा हूं तो अगला दिन प्रोडक्टिव होगा, नहीं होगा प्रोडक्टिव, आपको भी पता है, झूल रहे होगे, नहीं। दूसरी चीज, जब उठे तो फ्रेशन अप होके नहा लीजिए, सर्दी है कोई बात नहीं, गर्म पानी आता है, ठीक है, नहा लीजिए। तीसरी चीज, रात को जो कपड़े पहने वो कपड़े पहन के सुबह मत पड़िए। आप स्कूल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने बिना नहाए स्कूल में जाइए, स्कूल में जब के आएंगे। और यदि आप ड्रॉपर हैं, घर पे ही बैठे हैं, बहुत जरूरी है कपड़े बदल लीजिए, उन्हीं कपड़ों में मत पड़िए, बदबू मत फैलाइए घर में, ठीक है, गंदे कपड़े मत पहनिए, बदल लीजिए। कोई बात नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग की लाइफ गंदगी हो जाए, ठीक है। चौथी चीज, हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए, भूख लगेगी, परेशान होंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। और पांचवी चीज, कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़िए, ठीक है, रूटीन बनना चालू हो जाएगा। अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, स्टार्ट तो करिए, कहीं पे तो स्टार्ट करेंगे, या फिर हे भगवान इतना पीछे बीत गया, अब क्या करूंगा, मेरा नहीं हो सकता, मैं गधा हूं, ये हूं वो, नहीं नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स हैं, सीक्वेंस में लिख देता हूं, वीडियो देखते हैं नोट्स नहीं लेते, या क्लास में पढ़ते हैं नोट्स ही लेते हैं, बाद में नोट्स रिवाइज कर लूंगा, बाद में वीडियो देख लूंगा, नहीं बात तो आएगा नहीं, बाद आने का मतलब आपका टाइम जाया हो रहा है। जब कोई पढ़ा रहा था ऑनलाइन या क्लासरूम में, तब आप पास में बैठी कन्या को देख रहे थे, क्यों भाई, क्यों भाई, एक साल और कीमत है इन सारी चीजों की, मत करो,
इधर उधर दिमाग में कुछ है ना एक्शन चल रहा था, व्हाट्सएप पे कोई जो कर रहा था उस पर ऐसे, नहीं नहीं वो टाइम नहीं मिलने वाला। ये जो टाइम का प्रेशर है, जो बैकलॉग बन रहा है, इस वजह से हो रहा है कि जब कोई काम करना होता है, कोई आपको पढ़ा रहा है, आपको फोकस करके ध्यान करना है जिससे आप बाद में क्विकली रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, आपने उस टाइम पे फोकस नहीं कर रहा तो आपको वापस उन्हीं वीडियोस को या उन्हीं नोट्स को किसी और के वापस देखना पड़ा और उसका टाइम नहीं मिला, क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैकलॉग हो रहा है, अगले दिन जब पढ़ा रहे हैं तो पिछले वाले दिन का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है ना। बैलेंस मेंटेन करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, आदत की बात है बस, ऐसा नहीं है कुछ भी मुश्किल है, और यदि मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। बस चलता तो सब लोग बायो कर लेते, पर कुछ समझदार लोगों तो कहते हैं नहीं, नीट के एग्जाम में सिर्फ बायो नहीं आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। तो आदत डाल लीजिए, छोटा छोटा स्टार्ट करिए, पांच पांच दस दस क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करेले का जूस पीना चालू करिए, यदि आपको फिजिक्स करेला लगती है आदत पड़ जाएगा, बुरा नहीं है। आपको भी पता है एग्जाम में बिना फिजिक्स केमिस्ट्री किए सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, मॉक टेस्ट देना चालू करिए। 200 क्वेश्चन का नहीं देना चाहते, छोटे छोटे देना चालू करिए। आप यदि टारगेट बैच में आपको मिनी टेस्ट का ऑप्शन मिलता है वो कर दीजिए। यह बहाना मत दीजिए कि ये टेस्ट सीरीज मेरे शेड्यूल से मैच नहीं कर रही। अगेन, टारगेट बैच में आपके पास ऑप्शन है कि आप टारगेट सेट कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको तरीका यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं, भागिए मत, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये गंदी आदतें हैं, इन गंदी आदतों को रोकना पड़ेगा। मैंने आपको कुछ तरीके अपने हिसाब से बता दिए, आपके खुद के भी तरीके हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहला काम, अल्टीमेटली बड़ी प्रॉब्लम है, बैलेंस मेंटेन करना है, उसके लिए टाइम निकालना है, टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। इस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इस चीज के ऊपर नहीं कर सकते, जो झपकी आती है इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे बायो प्रैक्टिस करके कर रहे हैं, और यहां से टाइम वेस्ट कैसे होता है, मॉक टेस्ट नहीं लिखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है, सारी चीजें रिवाइज करने का मन करेगा और फिर टाइम उसके लिए है नहीं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो 6 पॉइंट लीजिए, हर एक के लिए आप क्या करेंगे। यदि आपको किसी पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है उसे इग्नोर कर लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको इस चीज का प्रॉब्लम नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए। बाकी 5 का प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या करेंगे, अपनी बॉडी को ट्रेन करना है, आदत डालनी है इस चीज के बारे में। लेट से अगले 7 दिन, कोरा का एक लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक क्वेश्चन वहां पे डाल दिया, हाउ विल यू सॉल्व दीज 6 प्रॉब्लम्स, आप क्या करेंगे स्पेसिफिकली इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, जाइए कोरा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे जाके आप आंसर कर दीजिए कि मैं कैसे इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करूंगा। यदि आपकी श्रद्धा है, कोरा पे नहीं लिखना चाहते, यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। यह पहला वीडियो हुआ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, चलो अब इसकी आदत पड़ रही है, आपकी बॉडी टाइम वेस्ट करने से बच रही है, आपने तरीके निकाल लिए जिससे आपका टाइम वेस्टिंग कम हो गया। इंस्टेंटली टुमारो मैजिक नहीं होगा, कल मैजिक नहीं होगा, 3-4-5-7 दिन लगेंगे बॉडी को रूटीन में आने के, रात को 7 घंटे सोने के, सुबह उठ के नहाने की आदत डालने के, हल्का फुल्का खाने का, सही टाइम पे पढ़ने बैठ जाने का, ज्यादा नहीं सोचना आसपास का कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन खत्म करने का, मॉक टेस्ट के, सारी चीजें धीमे धीमे हो जाएंगी, पर कहीं से स्टार्ट होगी, अभी से स्टार्ट करना, कमेंट सेक्शन में या कोरा के लिंक पे जाके अपडेट कर दीजिए हर एक पॉइंट के अगेंस्ट। पॉइंट नंबर 2 मैं ये करूंगा, पॉइंट नंबर 3 ये करूंगा, पॉइंट नंबर 4 ये करूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि अपना छोटा एक हफ्ते का टाइम टेबल कैसे बनाया जाए बिना टाइम टेबल के। अब जब हमारा टाइम बच जा रहा है, अब उस टाइम को सही तरीके से डिप्लॉय करना है, तो वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है बच्चों।